Ke Safar, Zion Ke Safar, Khuda hai saath, hamare saath, jaa wo kadam bada ke, thak na jana, fir na jana, Zion Ke Safar, Zion Ke Safar, Zion Ke Safar, Khuda hai saath, hamare saath, jaa wo kadam bada ke, thak na jana, fir na jana, Zion Ke Safar. Praise the Lord. सीएम के सफर कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। ये कार्यक्रम गुड टाइडिंग सेवकाई के द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है परमेश्वर का वचन आप लोगों तक पहुंचे और हम बाइबल को पढ़े, समझे और सिद्ध बने। आइए हम इस प्रोग्राम को देखते हैं। आप सबको जय मसीह की। सीओन के सफर कार्यक्रम में आप सभी भाई बहनों का हम हार्दिक दिल से स्वागत करते हैं। आपकी प्रार्थना, आपके सहयोग पिछले एपिसोडों में हमने पाया और आपकी फोन कॉल और आपके ईमेल का प्रतीक्षा अभी भी है और आप हमें कॉन्टैक्ट करें आगे के हमारे इस प्रोग्राम के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए। सेवकाई के बारे में आपको अधिक जानकारी प्राप्त करना हो तो जरूर ना भूले कि हमें कॉल करें और आगे में जो कुछ भी आपके समस्या जो प्रश्न है आप हमें बता सकते हैं। हम यही कोशिश करेंगे बाइबल में से आपका समाधान हो। पिछले एपिसोड में मैंने आपको सिखाया था बाइबल केवल पढ़कर छोड़ने के लिए ही नहीं बल्कि उन पर चलने के लिए सीखना है। और आज इस एपिसोड में आपका ध्यान में एक और विशेष एरिया में लेकर के आने के लिए चाहता हूं। बाइबल का प्रचार हम क्यों करते हैं? बाइबल का प्रचार का अनिवार्यता क्या है? यानी बाइबल का प्रचार क्यों अनिवार्य है? क्या और किताबों से प्रचार नहीं कर सकते हैं? क्या और कोई बातें नहीं बोल सकते हैं? बाइबल ही इतना महत्वपूर्ण क्या है कि आप उससे प्रचार करें? सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं हम बाइबल के प्रचार इसलिए करते हैं क्योंकि परमेश्वर का वचन है बाइबल। इसमें एक बात को आपको याद रखना है। अक्सर लोग बोलते हैं कि बाइबल में परमेश्वर का वचन है। मैं एक और बार बताना चाहता हूं कुछ लोगों के विचार है बाइबल में परमेश्वर का वचन है। यह गलत है। बाइबल में परमेश्वर का वचन नहीं, वो नहीं है। बाइबल स्वयं परमेश्वर का वचन है। बाइबल में वे सत्य पाए जाते हैं है जो युगों से मनुष्यों से छिपे रहे हैं। मेरे प्रियो, बाइबल परमेश्वर का वचन और परमेश्वर स्वयं बाइबल में दिखाई देता है। सो युगों से जो सत्य पाए हैं और पाए जाते हैं और जो युगों से मनुष्य से उन कई कई बातें छिपे हुए हैं, इन तमाम चीजें बाइबल में आपको मिलेगा। सो बाइबल परमेश्वर का वचन के रूप में हम स्वीकार करते हैं और उसी के आशीष को हम लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। दूसरी तिमोथी 3:16 में लिखा है हर एक पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है, उपदेश और समझाने और सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है। इस विशेष पद के ऊपर मैं कुछ एपिसोड पहले भी आपसे बात कर चुका है। आप उन एपिसोड में अगर देखूंगी तो आपको समझ में आएगा। हर एक पवित्र शास्त्र परमेश्वर के प्रेरणा से रचा गया है। यानी दूसरा एक शब्द में द गॉड्स वर्ड्स
इज द ब्रीथ ऑफ गॉड, परमेश्वर के ब्रीथ श्वास है। ये जब हमारे जीवन में आते हैं तो ये उपदेश के लिए भी, समझाने के लिए भी, सुधारने के लिए भी और धर्म के हर एक शिक्षा के लिए यही लाभदायक है। इसलिए हम परमेश्वर का वचन का प्रचार करते हैं, बाइबल का प्रचार हम इसलिए करते हैं ताकि ये हम लोग प्रचार करेंगे तो आपके जीवन में सुधार आ सकते हैं। क्योंकि इसका कंडेंस आप देखेंगे, इसका एक एक विशेष विवरण आप देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि बाइबल से दुनिया बदल सकते हैं, बाइबल पढ़ने से लोगों के जीवन में परिवर्तन आ सकते हैं, बाइबल पढ़ने से हर प्रकार की बातों में आप आशीषित होंगे। दूसरी पत्रस पहला अध्याय उसका 21 में लिखा है, क्योंकि कोई भी भविष्यवाणी मनुष्य की इच्छा से कभी नहीं हुई, पर भक्त जन पवित्र आत्मा के द्वारा उभारे जाकर परमेश्वर की ओर से बोलते थे। इसका मतलब बाइबल के हर एक पुस्तक में यीशु को दिखा जा सकता है और इसमें जो भविष्यवक्ताएं जो कुछ वचन बताया ये पवित्र आत्मा के द्वारा उभारे जाकर परमेश्वर की ओर से बोलते थे। सो परमेश्वर के वचन यानी हमारा बाइबल धर्मशास्त्र जो वचन है ये परमेश्वर के लोगों द्वारा लिखा गया, परंतु पवित्र आत्मा ने उनको प्रेरणा दी है। सो ये जो किताब अलौकिक होने के कारण यानी परमेश्वर का सीधा दर्शन आप यहां पर देख सकते हैं, इसी कारण हमें किसी को सुधारने की आवश्यकता पड़ते हैं या किसी को समझाने की आवश्यकता पड़ते हैं तो हम बाइबल को ही लेकर के आते हैं। बाकी किसी में लोगों के जीवन की सुधार के लिए शिक्षा प्राप्त करना मुश्किल है। और आगे हम देखते हैं कि बाइबल हमें प्रचार करने की अनिवार्यता क्या है, क्योंकि यीशु मसीह खुद एक नमूना हमारे सामने है। जब कभी यीशु लोगों को देखा वो प्रचार करना शुरू किया। हम बाइबल को क्यों प्रचार करते हैं, बाइबल के बारे में लोगों को क्यों बताते हैं, ये वचन सीखने से पढ़ने से क्या लाभ है और वो यीशु मसीह के जीवन से हमें मिलते हैं। यीशु मसीह जब कभी भीड़ को देखा, लोगों को देखा, वो चुपचाप नहीं बैठा, उससे बातें करना, उससे बात बोलना और प्रचार करना शुरू किया। अब मरकुस दूसरी अध्याय दूसरी वचन में देखिए, बाइबल युगो और अनंत काल तक स्थिर बनी रहेगी। यही अटल है, वचन अटल है, कभी नहीं बदलता। इसको बदलने की इसकी जो बुनियादी बातों को अदली बदली करके कुछ और नई बातों को जोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं। कुछ लोग ऐसे प्रयत्न भी तो करते हैं लेकिन वो उनके लिए खतरा है। क्यों? परमेश्वर ने कहा कि मेरी वचन के एक भी बिंदु यानी एक भी बिंदु कोमा इसमें जो भी है आपको हटाने की जरूरत नहीं। परमेश्वर के वचन युगान युग एक सा है, The same for ever and ever. No change. There is no need of changing the word of God. परमेश्वर के वचन को बदलने की या उसको अतली बदली करने की कोई आवश्यकता नहीं। आज लोगों को इस बात के बारे में कितना जानकारी है हमें देखना पड़ेगा। बाइबल युगों और अनंत काल तक स्थिर बनी रहेंगी। आसमान टहल सकती हैं, पहाड़े वो निकल जा सकती है, लेकिन परमेश्वर के वचन कभी नहीं हटेगा। एक और बात मैं कहना चाहता हूं, परमेश्वर के वचन में जितने भी प्रोमिसेस जितने भी वायदाएं दिया है ना, ये वायदाएं कभी कभी हटेगा नहीं, ये आपके जीवन में पूरा हो जाएगा। इब्राहिम के जीवन को आप देख लीजिए, इब्राहिम को परमेश्वर ने बुलाकर अलग कर दिया और उन्हें वायदाएं दी, उनको वचन दिया। 75 साल की उम्र में परमेश्वर ने उनको बोला कि मैं तुम्हें एक संतान एक बेटा दूंगा। अब्राहम गिनना शुरू कर दिया 1 2 3 4
एक दो तीन चार पांच कई साल उन्होंने गिन लिया, 10 साल हो गया, कुछ नहीं हुआ। और उस परिवार में मियां बीबी के बीच में थोड़ा थोड़ा बातचीत चलने लगी। अरे 10 साल हो गए, करीबन 15 साल, इतने समय के बीच में थोड़ा कुछ गड़बड़ी उनके परिवार में आया। जबकि सारा ने अब्राहम को एक गलत सलाह दी कि आप मेरे दासी हाजिरा को पत्नी बना लीजिए, उससे आपके लिए एक संतान हो जाएगा। वहां पर क्या हो गया, वो परमेश्वर की उस वायदा को भूलना शुरू कर दिया। परमेश्वर ने उनको वादा दिया था कि आई विल गिव यू ए सन, मैं तुम्हें एक संतान दूंगा। लेकिन कितने साल के बाद में दिया आपको पता है? 25 साल के बाद में दिया है। 25 साल लगे हैं। और आपको भी मैं कहना चाहता हूं कि अगर परमेश्वर ने आपको कोई वायदाएं दी हैं, कोई प्रॉमिस दिया है, जस्ट थिंक दैट गॉड इज नॉट गोइंग टू डू दैट स्पीडली और इमीडिएटली। ये मत सोचे कि परमेश्वर एकदम से नहीं करेगा, सालों लग जाएगा, ऐसा नहीं। कभी कभी ऐसे भी घटना है, वरदात है बाइबल के अंदर जिसके लिए तुरंत किया है। कभी कभी लेट हो जाता है परमेश्वर की वायदा पूरा होने में, लेकिन आप निश्चिंत रहे, परमेश्वर का वायदा है तो पूरा हो ही जाएगा। कभी थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन परमेश्वर की वायदा हमेशा के लिए आपके जीवन में पूरा हो जाएगा। लेकिन समय लगेगा, कभी कभी जल्दी भी हो जाएगा। वेट करना आपकी जिम्मेदारी है। अब्राहम वेट करने में थोड़ा सा गलती करी, वो उनके जीवन के लिए, समस्त संसार के लिए सत्यनाश के कारण बन गए हैं। इसी प्रकार हम गड़बड़ ना करें, परमेश्वर की वायदाओं पर आप विश्वास रखिए। वो अगर पूरा करे करने के लिए, वो वचन पर आप ध्यान करिए, वो वचन पूरा होने के लिए आप इंतजार कीजिए, परमेश्वर आपको आशीष करेंगे। और यहां पर लिखा है बाइबल युगो आनंद काल तक स्थिर बनी रहेंगी। इसलिए हमें यह प्रचार करने की जरूरत है। हर साल के बाद हमारे पाठशाला के किताबें बदलते रहते हैं, क्योंकि नई नई तकनीक, नई नई बातें, खोजबीन सब आ जाते हैं, उसका पुष्टिकरण हो जाते हैं, उसके बाद में किताबें चेंज हो जाते हैं। लेकिन बाइबल कभी चेंज नहीं हुआ। चेंज करने की जरूरत नहीं, इतना सही वचन इसके अंदर है। वो 4000 साल पहले के जमाने में जितनी जरूरत थी, और उस समय के लोगों के जीवन में जो जरूरत थी, और उसके बाद में जितने पीढ़ी चले गए उनके लिए भी जरूरत जितनी थी, वो जरूरतों को भी पूरा किया। आज 21वीं सदी में हम रहते हैं, हमारे भी सोच के अनुसार, हमारे विचार के अनुसार ये वचन को आप पढ़ करके देखिए, ये आज के हिसाब से बिल्कुल सही निकलते हैं। अदली बदली की जरूरत नहीं, बाइबल को सही ढंग से आप पढ़ना शुरू कीजिए, क्योंकि ये हमेशा के लिए बनी रहती है। एशिया की पुस्तक 40 अध्याय उसके 8वां वचन में लिखा है, घास तो सूख जाती है, फूल मुरझा जाता है, परंतु हमारे परमेश्वर का वचन सदैव अटल रहेगा। देखिए, फूल मुरझा जाती है और परमेश्वर का वचन तो सदैव अटल रहेगा। घास सूख जाती है, ये जो दिख रहा है सब कुछ मिट जाएगा। आज जो भी आपको दिखने को मिल रहे हैं सब कुछ मिट जाएगा, लेकिन कदापि ना मिटने वाला एक वचन, कदापि ना हटने वाला, हमेशा एक सा रहने वाला वचन, अटल रहने वाला वचन, वो है परमेश्वर का वचन जो मैं अपने हाथ में लिए हुए हैं, ये हमेशा स्थिर रहेगा। इसलिए हमें खुश है कि हम इस वचन का प्रचार करें, इसलिए हम आप तक इस माध्यम से आपके घर तक पहुंच रहे हैं, क्योंकि इस वचन से मैं प्रचार करूं तो सत्य ही निकलेगा, असत्य नहीं निकलेगा। ये अटल रहने वाले वचन है, ये कभी ना मिटते हैं। इसमें अगर कोई भी बातें लिखा है और कोई भी घटना है, अगर कोई वादा है, ये आपके जीवन में पूरा होने के लिए है, ये कभी टहलेगा नहीं, कभी मुरझाया नहीं जाएगा, आपको छोड़ के नहीं जाएगा। मेरे प्रियो, प्रेरितों के पुस्तक 2 अध्याय 14 वचन से,
संदेश तक अगर आप वो पढ़ेंगे तो वहां पर आपको मिलेगा वचन के प्रचार द्वारा पापी अपने पाप को अंगीकार करते हुए। जैसे मैंने पहले भी आपको कह चुका है मेरे एक एपिसोड में, परमेश्वर का वचन तलवार है जो लोगों को घायल करते हैं। अगर ऐसा हो तो ये वचन जब हम प्रचार करते हैं, पापी अपने पापों के बारे में सोचना शुरू करते हैं, घायल हो जाते हैं। जकाई के घर में जब यीशु मसीह पहुंचा तो जकाई के अंदर परिवर्तन आया, बदलाव आया। जकाई ने यीशु मसीह से पूछा, यीशु अगर मैंने जो काम काज में किसी से कोई ज्यादा लिया तो मैं वो सब कुछ वापस लौटा दूंगा। क्या आप समझ है मेरे प्रिय भाई और बहन, अगर आपके जीवन में भी यीशु मसीह का वचन आता है, वचन आपके जीवन में आ जाता है तो आपके पाप के बारे में आपको बोध दे देगा। पाप को अंगीकार करना ही पड़ेगा आपको, और पाप अंगीकार वचन की सेवकाई के द्वारा होता है। वचन पढ़ने से होते हैं, बाइबल पढ़ने से आप अपने पाप के बारे में तौबा करना शुरू करते हैं। पत्रस जब प्रचार किया, उसने पुराना नियम के लगभग 9 पदे उस अध्याय में हम लोग पढ़ते हैं, यानी प्रेरितों के काम दूसरे अध्याय 14 से 37 तक जब आप पढ़ेंगे तो पत्रस के जो प्रचार के अंदर पत्रस ने पुराना नियम के कई कोटेशन बताया। उनके उस प्रचार में परमेश्वर वचन का घोषणा हुआ। प्रचार में वचन का घोषणा जब कभी होता है, जहां कहीं भी होते हैं, वहां पर पापियों के मन फिराव की संभावना है। पापी तब मन फिरते हैं जब परमेश्वर का वचन उनके अंदर कार्य करना शुरू करते हैं। द वर्ड ऑफ गॉड विल पेनेट्रेट योर हार्ट। वचन आपके हृदय में घायल करके, आपको परिवर्तित करके, आपके जीवन में आपको उत्साह बना देगा कि आप यह अंगीकार करें आप एक पापी इंसान हैं। सो वचन सुनने से आपके पाप के बारे में आपको बोध आएगा। और दूसरी एक और बात, पहला युगन्ना 5:13 में देखते हैं, वहां पर ऐसे लिखा है, मैंने तुम्हें जो परमेश्वर के पुत्र के नाम पर विश्वास करते हो इसलिए लिखा है कि तुम जानो कि अनंत जीवन तुम्हारा है। देखिए, एक निश्चयता अश्योरेंस आपके जीवन में आ जाता है। परमेश्वर के पुत्र के नाम पर विश्वास करने के लिए आपको जब कहा गया तो सिर्फ विश्वास करके छोड़ने के लिए नहीं कहा गया, क्योंकि आपको अनंत काल के बारे में एक योजना के साथ आपको ले जाने के लिए, उसका बोध देने के लिए वचन का प्रचार होता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन का प्रचार, परमेश्वर का वचन सीखना पढ़ना इसलिए है कि आपके अंदर एक ऐसी विश्वास आ जाए, आप दुनिया में अपने आप को कदम नहीं करेंगे, आप अनंत काल के जीवन में प्रवेश करेंगे। क्या अर्थ है अनंत काल के जीवन? इस दुनिया में हम तो थोड़े दिन के लिए रहते हैं, 2 दिन के मेला है दुनिया की जिंदगी, यानी इस दुनिया में हम 2 दिन के मेहमान के रूप में आए हैं, इसके बाद सबको जाना पड़ेगा। बाइबल कहती है कि किसी इंसान के आयु 70 साल होते हैं, लेकिन अच्छा खासा खाना खाने से, मोटा खाना खाने से क्या होता है, 80 साल तक भी चले जाते हैं। आजकल के जमाने में 50 साल के बाद में बुढ़ापा आना शुरू हो जाता है, तो आपको मालूम है जल्दी जल्दी कट जाएंगी ये जिंदगी। अभी 40 साल के बाद में लोगों के घुटने में दर्द, छाती पे दर्द, और सारे हमारे हृदय के जो नस जो है ब्लॉक हो जाते हैं। 30 साल में, 40 साल में हार्ट अटैक, कितनी सारी समस्या। अब इसलिए हमें पता नहीं कि इस जिंदगी कितने साल तक जाएंगी, थोड़े समय के लिए, थोड़े दिन के लिए, इन्हीं थोड़े वर्ष के लिए आप यहां पर जीवित रहते हैं। आपको यहां ये दुनिया को छोड़ करके गुड बाय बोलकर जाना, एक दिन अवश्य समय आएगा आपको गुड बाय बोलना पड़ेगा। यहां जिंदगी पर पूरे हजारों साल आप यहां नहीं रहेंगे। अगर ऐसा हो तो आपके अंदर एक एश्योरेंस,
एक निश्चिताहाना जरूरी है कि मैं आज अगर मर जाऊं तो मेरी आत्मा कहां जाएंगे, क्या मैं स्वर्ग में जाऊंगा या नहीं। कई बार हमारे देश में यहां तक कई मसीह लोग भी हर नवंबर 2 तारीख में कब्रिस्तान में तो जाते हैं, आपने भी देखा होगा ऐसे। उनका यह विश्वास है कि हर नवंबर 2 तारीख में उस जितने भी मरा हुआ लोग हैं उनके लिए कुछ प्रार्थना करें, उनकी आत्मा के लिए कुछ करें, कुछ अगरबत्ती या कुछ हम चलाएं। उनका यह विश्वास होता है कि उस दिन कम से कम ऐसे करें तो उसको हम याद कर सकते हैं। ये जितना भी हम करेंगे वो सब कुछ दुनिया में व्यर्थ है, क्योंकि मनुष्य की जिंदगी के उस समय में उनको अनंत काल के बारे में सोचने की, विचार करने की जरूरत है। मेरे प्रियो, आज इस वक्त में मैं आपको बाइबल की उस निश्चिता की ओर लेकर के आना चाहता हूं कि आपके लिए एक अनंत काल की जिंदगी है। क्या आपने कभी सोचा है? इस विषय के अगले भाग में, मेरी अगली एपिसोड में आपको कहूंगा, आप देखना ना भूलना, आप जरूर सुनिएगा। लेकिन इस वक्त में मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं कि अगर आपके अंदर अनंत काल की जिंदगी के बारे में कोई विचार नहीं, कोई अभी तक आपने सोचा नहीं है, अश्योरेंस नहीं है, तो आइए आप मेरे साथ खुदा से प्रार्थना कीजिए। हाय परमेश्वर, तू मुझे संभालना, मुझे आशीष देना, मुझे ऐसा मौका देना कि मैं मेरी अनंत काल की जिंदगी में तेरे साथ जीवन को व्यतीत करूं। प्रार्थना करें। प्रेमी दयालु स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद करते हैं इन लोगों के लिए जो इस वचन को सुन रहे हैं। खुदा, वे जहां कहीं भी हैं इस वक्त, मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूं कि आप उनको छुए, टच करें। खुदा, अनंत काल की जिंदगी के बारे में उन्हें दर्शन मिल जाए और आपके साथ संगति करने का मौका मिल जाए, अपने समय को, अपने दिन को गिनने की बुद्धि और समझ दे। खुदावंद, आपने इसे किया, धन्यवाद। यीशु नासरी के नाम से आमेन। गॉड ब्लेस यू मेरे प्रिय भाई बहन। अगले एपिसोड में इसी विषय के बाकी भाग को हम सुने, तब तक के लिए आप सबको सलाम। यीशु आप सबको आशीष करें। जय मसीह। सियोन के सफर खुदा के साथ हमारे साथ जा, वो कदम बढ़ा के थक न जाना, फिर न जाना। ये सियोन के सफर, सियोन के सफर, सियोन के सफर, साथ हमारे साथ जा, वो कदम बढ़ा के थक न जाना, फिर न जाना। ये सियों के सफर। आप सभी प्रार्थना सहकर्मियों के लिए हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं और आपसे अनुरोध करते हैं कि आप हमारे विभिन्न सेवकाइयों के लिए लगातार प्रार्थना कीजिए। जैसा दिल्ली में गुड टायरिंग बाइबल इंस्टीट्यूट, जो इवनिंग में शाम के समय में संबंध होते हैं, जिसमें आप लाभ उठा सकते हैं, बाइबल अध्ययन के लिए आप स्वागत हैं, आप उसके लिए विशेष प्रार्थना कीजिए। उत्तराखंड हल्द्वानी में गुड टायरिंग बाइबल इंस्टीट्यूट के 1 साल के सर्टिफिकेट कार्यक्रम है, जिसमें भी आप आ सकते हैं और उसमें भाग ले सकते हैं, लाभ उठा सकते हैं। 3 महीना की विशेष चेला बनाने की सेवकाई है, प्रोसेशन है, ग्रेट कमीशन डिसिपलशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम, इसमें आप अपने जवानों को भेज सकते हैं, लाभ उठा सकते हैं। इसके अतिरिक्त में कलीसिया स्थापना और निर्धन बच्चों को मुक्त शिक्षा प्रदान करना और अन्य बहुत प्रकार के सामाजिक सेवा, जिसके द्वारा हम परमेश्वर के प्रेम को आगे पहुंचाते हैं। इस कार्यक्रम के बारे में अधिक जानकारी के लिए कृपया हमारे पता नोट कीजिए। गुड टाइडिंग 730 सनलाइट कॉलोनी सेकंड आश्रम न्यू दिल्ली
110014। हमारे वेबसाइट में भी आप लॉग इन कर सकते हैं www.goodtiding.org। हमारे ईमेल एड्रेस है info@goodtiding.org। May the Lord bless you. Thank you very much. दिल्ली में अगर आप आत्मिक संगति को चाहते हैं तो रविवार की आराधना सभा में भाग लीजिए। गुड टाइडिंग चर्च हर रविवार 9:30 बजे से 12:30 बजे तक आश्रम नई दिल्ली में होते हैं, आप उसमें भी स्वागत है। सियोन के सफर में मेरे मन व्याकुल न भोल कभी। सियोन के सफर में मेरे मन व्याकुल न भोल कभी। अब हम कप्रभु इस कप्रभु या को कप्रभु मेरे साथ है सदा। अब हम कप्रभु इस कप्रभु याको का प्रभु मेरे साथ है सदा। सियो के सफर में मेरे मन व्याकुल न भोल कभी। सियो के सफर में मेरे मन व्याकुल न भोल कभी। प्रभु या